यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं देश के पीएम नरेंद्र मोदी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी चोगम बैठक में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। साथ ही आज अपनी यात्रा के दौरान कॉमनवेल्थ देशों के शासनाध्यक्ष यानी कि अपने समकक्षों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में पीएम हिस्सा लेंगे। कभी ब्रिटिश झंडे के तले रखे दुनिया के 53 मुल्कों की इस समूह की 11वीं शिखर बैठक में इस बार का विषय साझा विकास को रखा गया है कि साझा विकास की कितनी गुंजाइशें हैं और कैसे हो। 2010 के बाद पहली बार भारतीय पीएम चोगम की बैठक में शरीक हो रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन पहली बार विंडसर कैसल में हो रहा है। लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में देश की बढ़ती ताकत के बारे में जानकारियां दी। पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया और कहा कि भारत आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंक का निर्यात करने वालों को मोदी उसी की भाषा में जवाब देना जानता है।